सीएनसी एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल के टेक्निकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको डबल एंगल के बीच में रेडियस कैसे लगाते हैं ये बता रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही काम की इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखियो और समझियो इसको। दोस्तों, ये ड्रॉइंग है, इसकी ओडी 40 mm है और ये ओडी 30 mm और यहाँ पर ये डाया 22 mm है। जहाँ पर ये 22 डाया दिया है, यहाँ पर 3.5 का रेडियस है और जो 22.5 डाया दिया है इसके सेंटर से यहाँ की जो लेंथ है 22 डाया दिया है, ये 30 mm है और जो हमारी ये लेंथ है 50 mm। दोस्तों, प्रोग्राम बढ़ाने के लिए हमें तो ये लेंथ चाहिए, जहाँ से ये रेडियस स्टार्ट हो रहा है ये लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, जहाँ से ये रेडियस ख़त्म हो रहा है ये लेंथ भी चाहिए और जहाँ पर एंगल ख़त्म हो रहा है ये लेंथ भी चाहिए। ये डायमीटर चाहिए और ये डायमीटर चाहिए, इसके अलावा पॉइंटिंग डायल चाहिए। तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, तो दोस्तों देखियो, पहले ये वाली लेंथ निकलेगी सेंटर से यहाँ तक, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू रेडियस बराबर आर, साइन बीस इंटू आर 3.5। साइन बीस का माना 0.342 इंटू 3.5। ये आ गई 1.197, यहाँ की बीस की आई है जो 1.197 आ गई। अब ये वाला डाया निकालेंगे, ये डायल निकालने के लिए क्या करेंगे, ओडी 22 mm जमा टेन थीटा बटे 2 गुणा आरएल इंटू 2, तो 22 जमा 20 का आता 10 हो गया, तो 10 का माना 0.176 इंटू 1.197 गुणा 2, तो 22 जमा, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन इसको। जीरो पॉइंट फोर टू वन यानी 22.421। तो ये वाला डाया जहाँ से रेडियस शुरू होना है हमारा, ये डाया आ गया 22.421, ये डाला। तो अब रह गई बात ये वाली लेंथ निकालने की, अब ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ निकालने के लिए जाएंगे आर एल बराबर है साइन थीटा गुणा रेडियस, तो साइन कितना है 70, साइन 70 गुणा 3.5, तो साइन 70 का मान है 0.939 गुना 3.5, ये आ गई हमारी 3.288। तो ये वाली लेंथ आ गई 3.288। अब ये डाया निकालते हैं, ये डाया निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे 22 डाया भाई, 22 जमा टेन थीटा बटे 2 गुणा आर एल इंटू 2, तो 22 जमा 70 का था 35, टेन 35 का मान 0.7 गुणा 3.288 गुणा 2, तो 22 जमा 0.7 इंटू 3.288
ये आया 4.603 यानी 26.603। तो ये डाया आ गया हमारा 26.603। तो ये वाली लेंथ होगी कैसे, 30 है ये सेंटर से, 30 माइनस 1.197 ये आ गई हमारी 28.803। और ये आ गई 30 जमा 3.288 33.288। अब रह गई ये लेंथ निकालनी, ये लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये त्रिभुज बन गई हमारी, ये डिग्री हमारी 20 की है, ये हाइट हमें दे रखी है यहाँ पर, दोनों साइड की होगी d माइनस d बटे 2। बड़ा डाय हमारा 30 का, छोटा डाय हमारा 22.421/2। ये हमारी 3.786। तो ये निकालनी है, निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो टेन बीस बराबर है 3.786 बटे बेस, टेन बीस का मान है 0.363 बराबर है 3.786 बटे बी, क्रॉस गुणा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.363 बी बराबर है 3.786 और बी बराबर है 3.786 भाग में 0.364। आ गया 10.429। तो यहाँ से आलम यहाँ तक की लेंथ आ गई अपनी 10.429 और ये हमारी यहाँ तक कितनी है 28.803। तो माइनस 28.803 तो ये बच गई हमारी 18.373। अब ये वाली लेंथ चाहिए हमें, ये लेंथ निकालने का भी सेम फॉर्मूला है, ये त्रिभुज बन गई हमारी, ये चाहिए हमें, यह हाइट हमें दे रखी है, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज बनेगी, ये डिग्री हमारी 70 की है, यह हाइट हमें दे रखी है, हमें ये निकालनी, ये हाइट निकालनी पड़ेगी, पहले कैसे निकालेंगे, डी माइनस डी बटे दो, बटा डाय हमारा 40 का, माइनस छोटा डाय आ गया हमारा 26.603/2। ये आ गई हमारी 6.69। ये त्रिभुज बनेगी, ये निकालेंगे तो 10/70 बराबर है 6.69/2 ए, तो ए बराबर है 6.69 भाग में 10/70 का मान 2.747। तो 6.69 भाग में 2.435। ये लेंथ आ गई हमारी 2.345।
ये कितनी है पहले 33.288 जमा 33.288 35.723। तो दोस्तों ये हमारी कैलकुलेशन है। ये 0.5 का तो 45 डिग्री का मान एक होता है, तो पॉइंटिंग डाय निकालने के लिए हम करते हैं 40 माइनस एंगल का मान गुना एंगल की लेंथ गुना 2, तो एक है ये 29 आ जाएगा हमारा। तो दोस्तों ये हमारे डबल एंगल के बीच में रेडियस है, उसकी कैलकुलेशन है एंगल रेडियस एंगल। तो पहले हमने इस एंगल की रेडियस की लेंथ ये वाली निकाली, साइन थीटा गुना रेडियस बराबर आर आल, ये साइन हमारा 20 डिग्री का है, साइन 20 गुना आर 3.5। तो इसकी कैलकुलेशन करी थी आगे हमारी 1.197 ये लेंथ। इसके बाद में ये डाय निकाला, ये डाय हमारा 22 है, 22 में ये डाय निकलेगा वो जोड़ देंगे। तो कैसे करें, 22 जमा टेन थीटा बटे 2 गुना आर एल गुना 2, टेन थीटा बटे 2 यानी 20 का तो आधा होगा 10, 10 10 का माना 0.176 गुना 1.197 गुना 2, 1.197 हमारी ये लेंथ होगी। तो इससे गुना करी तो 22 और 4 to 1 आ गई, तो 22 में 4 to 1 जोड़ा तो 22.421, तो ये डाया हमारा आ गया 22.421। जब यहाँ से रेडियस शुरू होगा और ख़त्म किस डाया पे होगा वो डाया भी यहाँ निकाला है। पहले ये लेंथ निकाली इधर की, साइन थीटा गुना रेडियस, साइन कितने का ये 70 का, साइन 70 गुना 3.5, साइन 70 का मान है 0.393 बराबर है 3.288। तो 3.288 आया, ये कितने में जोड़ेंगे हम, ये 22 डाया में जोड़ देंगे, 22 डाय में ये जोड़ेंगे तो ये हमारा डाया हो गया। ये आ गई हमारी लेंथ, तो ये 30 लेंथ है, 30 में से ये जोड़ देंगे तो 33.288 आ गई। अब ये डाय निकालने, ये डाय निकालने कह रहे हैं ये डाय हमारा 22 है, 22 जमा 10 थीटा बटे 2 गुना आर एल गुना 2, 10 कितना 70, 70 का था 35, 10 35 का माना 0.7 गुना रेडियस की लेंथ 3.288 गुना 2, तो 22 जमा 4.603 ये आ गया 26.603 ये डाया हमारा। तो अब ये लेंथ होगी, ये लेंथ होगी, अब ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ निकालने के लिए जहाँ से हमें एंगल शुरू करना उसके लिए एंगल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। एंगल की लेंथ निकालने के लिए त्रिभुज बन गई यहाँ पे हमारी 20 डिग्री का है, ये त्रिभुज मैंने यहाँ रख दी, ये हाइट हमें दे रखी है, हाइट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, बड़ा डाया माइनस छोटा डाया बटे 2, बड़ा डाया 30 का, छोटा डाया आ गया हमारा 22.421 बटे 2 दिया आगे 3.786, ये हाइट आ गई 3.786। इस हाइट को थीटा के मान से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 10.428। तो यहाँ से 28.803 है, इसमें से ये घटा देंगे तो 18.373 बच गई। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। फिर आगे इधर की बात, ये वाली लेंथ कितनी आई, ये लेंथ निकालने के लिए भी सेम प्रोसीजर है। ये त्रिभुज बन गई हमारे यहाँ पर, एंगल 70 डिग्री का है, ये मैंने यहाँ रखी है। ये हाइट हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, बड़ा डाया मैंने छोटा डाया, बड़ा डाया हमारा है 40 का, छोटा डाया हमारा है 26.603, 40 में से 26.603 घटा के 2 से भाग देते हैं तो 6.69 आ गया हमारा, 10 70 बराबर है 6.69, 10 70 का माना 2.747, ये बराबर है 6.69 भाग में 2.747 बराबर 2.435 ये लेंथ आ गई हमारी। तो ये 33.288 में जोड़ देते हैं तो 35.723 आती है। ये हमारी डबल एंगल के बीच में जो रेडियस होता है उसकी कैलकुलेशन है। अगर हमें इसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है तो देखिए प्रोग्राम बनाता हूँ मैं इसका, V0X0 O के साथ में 4 डिजिट से प्रोग्राम की शुरुआत कर देंगे, ब्रैकेट में कंपोनेंट का नाम दे देंगे, एंड ऑफ ब्लॉक लगा देंगे, Z-100 A0 A0101 G97 as 3000 M03 में स्पेंडर रोटेट करते हैं। तब हम क्या करेंगे, रेसिंग करेंगे पहले G0X32 30 का है तो Z10 M08 में कूलेंट ऑन कर दिया, G0Z0 फेसिंग करनी है वहाँ पे आ गई, G01X-1.0.15 फेसिंग कर दी हमने यहाँ पे, तो G0W1X29 क्योंकि 29 डाय से लेना है हमें, 49.5 इंटू 45 डिग्री का एंगल है, तो G01X30A-45
ये एंगल अलग है। पहले हमें इसके कमांड देनी पड़ेगी G42 G1 ZG, तो G01 Z माइनस कितने लेंथ रहेगी 18.373, Z माइनस 18.373। यहाँ तक आ गए, ये एंगल देंगे आप G01 X 22.421, A 10 कितना डिग्री है 20 डिग्री, A 20। ये एंगल दिया यहाँ पर आ गए। अब ये रेडियस घुमाएंगे यहाँ पर सीधा हम इस लेंथ पे आएंगे, ये डायट डालेंगे, वाई से कोई लेना देना नहीं है हमारा। G02 X 26.603 Z माइनस 33.288 R 3.5। ये हमारा रेडियस लग गया यहाँ पर। G01 X 40 A माइनस 70 यहाँ पर आ गए। G0 G40 Z10 M09 G42 को कैंसिल कर दिया, M09 पानी ऑफ कर दिया, पीछे आ गए। G97 S 500 कॉन्ट्रास्ट कम कर दी। G0 X 0 Z माइनस 100 A0 M05 S 100 स्टॉप कर दिया। M30 प्रोग्राम एंड हो गया। तो दोस्तों ये प्रोग्राम है, पहले हमने मशीन को पोजीशन दी, रोल नंबर सेलेक्ट किया, RPM रोटेट की, यहाँ 32 डायल पे लेके आए, जेड में 10 एमएम दूर, M08 में कूल एंड ऑन किया, Z0 पे आया, G01 X-1 F0.15 फेसिंग की, G01 X29 जहाँ से मैं पॉइंटिंग डायल लेना वहाँ पे आए, G42 G1 Z0 यहाँ पर टच हुए, G01 X-30 A-45 यहाँ पर एंगल दिया, G01 Z-18.373 यहाँ पर आए, G01 X 22.421 और A20 ये एंगल दिया हमने। फिर ये रेडियस की कमांड दी G02 X 26.603 Z-33.288 R 3.5 रेडियस दिया, G01 X 40 A-70 यहाँ पर आगे एंगल दिया, तो G0 G40 Z10 M09 कूलेंट ऑफ कर दिया, पीछे ले ली, G97 S 500 कॉन्ट्रास्ट कम कर दी, G0 X 0 Z-100 T0 हमने पोजीशन पहुँचा दी, M05 S-100 स्टॉप कर दिया, M30 प्रोग्राम एंड हो गया। दोस्तों किसी भी दोस्त को कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो, कुछ इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।